अवैध कोयला कारोबार को लेकर चैतुडीह में फिर हुआ खूनी संघर्ष, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा क्षेत्र, चार हुए घायल, वहीं विरोध में किया गया सड़क जाम। पुलिस पर अवैध कोयला कारोबार को संरक्षण देने का लगा आरोप। वशिष्ठ चौहान के गुर्गे मचा रहे आतंक, पुलिस आखिर क्यों नहीं करती कार्रवाई। हम लोग जा रहे थे प्रसाद खाने, बिक्की डोम, कुणाल चौहान जो सैनिटी कराता है, पवन मातो, पूरा चार नंबर का लड़का पूरा गोली चलाने लगा, कट्टा पिस्टल, पवन कुणाल चौहान पिस्टल में गोली चढ़ा के हमको दिखा रहा था, बिक्की डोम पूरा फायरिंग कर रहा था, अजय भैया का गाड़ी पूरा चूर दिया। हम लोग प्रसाद खाने जा रहे थे, छह नंबर पूरा गाड़ी पर आतंक, पूरा 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 चार नंबर का सब लड़का। बता दें कि बागमारा में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी है, पुलिस इस अवैध कारोबार की संरक्षक बनी हुई है, लगातार खूनी संघर्ष हो रहा है, अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व विरोध करने पर मारपीट हो रही है, खास व्यक्ति गुर्गों पर आरोप लग रहे हैं, बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रोड जाम किया है, गोली मारा है, वशिष्ठ चौहान गांव वाला को डेली गाड़ी चोरी करता है, कोयला 15 गाड़ी 20 गाड़ी 50 गाड़ी डेली पार होता है गांव से, क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई, क्यों नहीं हो रहा, प्रशासन जाता है पैसा लेकर के घर आ जाता है, प्रशासन प्रशासन भी क्या हुआ है, रोज रेड हो रहा है, रोज रेड खाली दो बार रोज रेड करके घर आता है पगड़ी भर के। पुलिस से कभी शिकायत की है ना? पुलिस से बार बार पुलिस को रेड हो रहा है, प्रशासन रेड करा रहा है, तो हम लोग क्या शिकायत करेंगे, क्या शिकायत करेंगे, हम लोग का बात सुनेगा, हम लोग को तो मारने के लिए जाता है पुलिस, आज तो मारा। उसको मार के बोलो मार मिल रहा है, तब हम लोग छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कटरा थाना क्षेत्र के चैतुडीह में अवैध कोयले का कारोबार लंबे समय से संचालित हो रहा है, इस कारोबार को संचालित करने का आरोप वशिष्ठ चौहान तथा उसके गुर्गों पर है। बुधवार देर रात चैतुडीह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सभी का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है, एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पिस्टल, देसी कट्टा, लाठी, डंडे, हरवे हथियार खुलेआम लहराए गए, छठ पूजा का प्रसाद खाने जा रहे लोगों के साथ मारपीट की गई, अवैध कोयला कारोबार को बंद करने खूनी संघर्ष पर लगाम लगाने की मांग को लेकर लकड़का के ग्रामीणों ने कतरास थाने का घेराव कर दिया, थाने के समक्ष सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हम बजा रहे हैं तो मोबाइल अपना दिखाने के लिए भालका से लौट कर जब निकले अपना घर जाने के लिए, रास्ते में लकड़का के पास सीएस मिल गया, बोला कि भैया चलिए तो छत पूजा हो रहा है, छत का जो है प्रसाद खा लीजिए, हम बोलो कि छोड़ दो, तो बोला कि मैं छठ के तो फिर कहे तो छठ ना के प्रसाद है, चलो भाई खाने, आगे आगे वो लोग बढ़ा लोग, हम भी उसके पीछे पीछे हम भी चले बढ़े, उस दिन वो लोग आगे तो आगे वाला लोग एक बैग चारों ओर से घेर के लगा लोग मारने, उसके बाद हमारा गाड़ी के पास आया लोग, हमारा गाड़ी के पास भी लगा लोग फायरिंग कर लोग लाठी डंडा से मारने। हमलावर कितने के संख्या में थे? हमलावर कम से कम 50 सुपर के संख्या में, हरवे हथियार भी था, हाँ सबके पास हरवे हथियार, लाठी डंडा रिवाल्वर काटा हर तरह का हथियार जो था। गोली चली है क्या? हाँ गोली चला है। कितना राउंड चली है? सामने ही 10-12 राउंड जो है हमारे गाड़ी के अगल बगल में। कौन लोग हैं? वो वशिष्ठ चौहान के लोग हैं, कुणाल चौहान है, बार बार कुणाल का नाम दे रहा था, बिल्कुल गुम है, और लोग कुछ लोग का तो सब लोग का तो हम पहचान नहीं। अच्छा आखिर आप नाम से जो लोग चिल्ला रहा था वो उस नाम से मार मार फलक गोली मारो मार। अच्छा आप गोली चलने का मुख्य वजह क्या है? गोली चलने का मुख्य वजह ही तो हम नहीं बता सकते क्योंकि आप तो वहाँ चूँकि हम रहते नहीं, हम तो रहते हैं गली टन में, और वहाँ का क्या है कुछ उससे हमको लेना देना है भी नहीं, हम तो छठ माँ के प्रसाद के नाम पर हम जा रहे थे प्रसाद खाने। आप रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले गली टन। क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह। आपकी जो गाड़ी में तोड़ फोड़ी वो गाड़ी कौन गाड़ी थे, गाड़ी के नंबर क्या है? गाड़ी तो जो है होंडा है, और क्योंकि वो हमारा अपना गाड़ी नहीं, हम दूसरे से गाड़ी मांग कर लेके आए थे, और उस गाड़ी का नंबर बता नहीं पा रहे हैं, दूसरे का गाड़ी है। आपके कितने लोग घायल हुए आपके साथ? हमारे साथ हम थे, हमारा बेटा था, छोटी था, क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह। क्या अजय सिंह, ठीक है धन्यवाद। ये लोग आपस में दो तीन से लड़ाई कर रहे थे, दोनों
किस बात के लिए लड़ रहे हैं इसको अभी FIR में देगा, उसके बाद पता चलेगा। चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं और चोरी के दौरान जो मारपीट हुई उसमें गोली। अभी तो रात में ऐसा कोई बात नहीं था, रात में वैसा कोई वैसा तो कोयला चोरी का सूचना नहीं दिया है। गोली चलने की जो बात है वैसा भी कोई बात नहीं है, मारपीट हुआ है दोनों पक्ष में। सर बार बार कहा जा रहा है कि जो मारपीट हो रहा है अवैध कोयला ही मेन कारण है। नहीं तो अभी तक कोई लिखित दिया नहीं है, अभी वहाँ गया है लिखित दे रहा है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। घायल पहले भी हुआ था उसका तो कोई सूचना नहीं था दो दिन तक पहले। घायल भी लोग हुए, क्या दो तीन आदमी का चोट लगा है जो हॉस्पिटल में।